भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, मंगल के भवन है, मंगल भवन या मंगल हरी। जवहुस दशरथ अजिर बिहार। कृष्ण कौन है, राम कौन है, दुर्गा कौन है, शिव कौन है, ये सब एक है और कोई नहीं है। ये कोई हजार नहीं है, भगवान कोई हजार थोड़ी ना होते हैं। देवता होते हैं 33 कोटी। मींस मतलब क्या होता है 33 कोटी का मतलब? थोड़ा तेज। 33 कोटि का मतलब क्या है बताइए ना। 33 कोटि का मतलब तैतीस हजार करोड़? नो, बिल्कुल भी नहीं। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में कितने देवता हैं? 33 करोड़, जबकि ऐसा है ही नहीं। अरे करोड़ देवी देवताओं का करना क्या है, ज्यादा देवी देवता हो जाएंगे वो भी ठीक नहीं है। 33 कोटि होता है, 33 करोड़ नहीं होता। 33 कोटि मतलब उच्च कोटि के देवता। हमारे सत्य सनातन धर्म में उच्च कोटि के देव माने जाते हैं, जिसमें दुर्गा है, जिसमें शिव है, जिसमें कृष्ण है, जिसमें सूर्य है, जिसमें गणेश है, इनको ही उच्च देवता माने जाते हैं, उच्च कोटि के। इसलिए 33 कोटि उच्च कोटि के हैं महाराज ये। पर हमने क्या समझा, हमने समझा 33 करोड़। अब इतने देवी देवता आ जाएंगे तो भैया देवता है पर करोड़ नहीं। देवता हमारे इंद्र हैं। इंद्र क्या करते हैं? वर्षा के देवता है। अग्नि कौन है? अग्निदेव। अग्नि के देवता अग्निदेव हैं। वायु के देवता कौन है? वायुदेव है। नहीं है? तो इस प्रकार हमारे देवी देवता हैं, परंतु भगवान तो एक ही है। देवता और भगवान में फर्क होता है, बिटवीन डिफरेंस होता है भैया। कैसे? एक हो गया देवता, एक हो गया भगवान। देवता मतलब जिनको भगवान ने कुछ ना कुछ सेवा दी है, उन्हीं को देवता कहा जाता है। जिनको स्वयं भगवान कृष्ण ने कोई ना कोई सेवा दे रखी है कि हे इंद्र तुम वर्षा के देवता होगे, अग्निदेव अग्नि के देवता होंगे, वायुदेव वायु के, जल के वरुण होंगे, तो ये सारे देवता हैं। किसी किसी के घर के देवता होते हैं, कुल देवता, कुल देवी। उस प्रकार से यह सारे देवता होते हैं जिनको भगवान ने सेवा दे रखी है कि कुल देवता, आप कुल के देवता होंगे, आप कुल की रक्षा करेंगे, कुल की वृद्धि करेंगे, इसलिए आपका नाम कुल देवता है। आप कुल की देवी हैं, अपने कुल पे प्रसन्न हो, अपने कुल की वृद्धि करो, आप कुल की देवी हैं। आप वरुण देव हैं, आप जल के देवता हैं, जल की रक्षा करो। इस प्रकार से सारे देवी देवता हैं। भगवान कौन है? भगवान सबसे अलग है। देवता तो अपनी अपनी सारी क्रिया संभाल रहे हैं, सारा काम संभाल रहे हैं। वरुण देवता जल का काम संभालते हैं, अग्नि देवता अग्नि का सब कुछ संभाल रहे हैं, इंद्र देवता वर्षा करते हैं, समय आने पर सब कुछ होता है। सब देवताओं ने अपना अपना काम संभाल रखा है, परंतु इन देवताओं को यह सारा कार्य किसने दिया? इन देवताओं को सारा जितना भी कार्य है पृथ्वी को रचाने के लिए, पृथ्वी के संहार के लिए, ये सारी सेवाएं किसने दी देवी देवताओं को? भगवान ने दी। और वे भगवान कौन है? वे ब्रह्म है। वे ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। कौन है? उसी को परब्रह्म कहा जाता है, उसी को ज्योति कहा जाता है, और उसी को साक्षात कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान देवता तो कई हैं, परंतु भगवान एक ही है, जिसने सभी देवी देवताओं को प्रकट किया है और प्रकट करके सभी को अपना अपना काम सौंपा है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सारी क्रियाओं को संभालो। जितने भी देवी देवता होते हैं ना, ये भगवान के कार्यकर्ता हैं। हाँ, हम कथा कर रहे हैं, कोई कार्य संभालने वाला भी तो होना चाहिए, तो उन्हीं को कार्यकर्ता कहते हैं, उन्हीं को कार्यकर्ता कहते हैं। उसी प्रकार भगवान तो भगवान है, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, परंतु कोई कार्यकर्ता होना चाहिए। इसलिए देवी देवताओं ने
भगवान से अपनी अपनी सेवा ले रखी है, वे अपना अपना काम स्वेच्छा से अपनी इच्छा से करते हैं प्रेम से। परंतु भगवान क्या करते हैं, भगवान को कुछ करना नहीं होता। भगवान चकाचक क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं। यहाँ अगर भौं टेढ़ी हुई तो भूकंप आ जाता है, आंखें बंद कर ली तो दो पल में तो पृथ्वी संहार होके मिट्टी पलित है जाए। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीआईपीओं को तो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं होती, पीछे से सब लोग संभाल लेते हैं। उसी प्रकार भगवान ने अपनी सेवा सभी देवी देवताओं को दे रखी है। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, वो तो आनंद से सोते रहते हैं, कभी जागते रहते हैं और कभी कभी अपने भक्तों के घर पे माखन खाते रहते हैं। ये भगवान का काम है, क्योंकि भगवान मात्र अपनी इच्छा से सब कुछ प्रकट करने वाले हैं, सब कुछ पालन करने वाले हैं, सबका श्रृंगार करने वाले हैं।